अब हरियाणा की बात कर रहे थे, हरियाणा तो बहुत विशेष प्रांत है साहब, लीजिएगा हमारा शंभु शिखर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, झारखंड से बिहार से आता है, कोयले की खदानें होती हैं उसे देख के पता चलता है। यहाँ आदरणीय कृष्ण मुरारी गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय रामकृष्ण जी बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत सम्मान, हरीश अश्विनी जी, अश्विनी जी, सुभाष जी, गोयल, सभी का अभिनंदन करता हूँ। अब हमारे कृष्ण कुमारी गुप्ता जी कह रहे थे कि गजेंद्र जी आजकल कवियों का पेमेंट वेमेंट क्या चल रहा है, मैंने कि भाई साहब आपसे क्या पेमेंट की बात करनी है, शैलेश लोढ़ा जैसे बड़े स्टार को आपने बुलाया हुआ है, उनसे 1000 रुपये कम दे देना। बोले आ जाओ, वो तो 1000 रुपये में ही आ रहे हैं। तो एक बार ताली आली बजा के बताइए, तो तुम तो फ्री में आ जाओ। तो मैंने कि चलो शैलेश जी आ रहे हैं तो हम भी उनके साथ में आ जाते हैं, वाह वाह क्या बात है, बड़े सितारे हैं। तो ये सब कवि जो है स्कीम में है, अब अगर आप इनको तालियां भी नहीं दोगे तो इनको रात को नींद नहीं आएगी, एक बार तालियां बजा के बता दीजिएगा। ताली बजाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सबसे बढ़िया एक्यूप्रेशर है। लेकिन लीजिएगा 2-3 क्षण आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। ये सामान बेच रहा है भैया, तू अपनी दुकान इधर उधर कर ले, हमारी दुकान क्यों बढ़ा रहा है, बैठ जा कोई बात नहीं। इसे देख के किसी शायर ने खूब लिखा हुआ है कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से।